देखिए मैं देखिए यूरोप के ना बहुत सिंपल रूल है, सबसे पहले वो आपको देंगे TR टेम्परेरी रेजिडेंस, ठीक है। TR होता है 1 से 2 साल का, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपका TR कंप्लीट हुआ, अगर वो 1 साल का है, फर्स्ट ईयर आपका TR कंप्लीट हुआ, आप रिन्यूअल पे गए, वो उसके बाद आपको देंगे 2 साल का PR, ठीक है। क्या परमानेंट रेजिडेंट हो लेकिन 2 साल के लिए, फिर जब वो 2 साल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद वो आपको पहला PR देंगे विच इज फॉर 3 years, ठीक है। तो आप मजीद 3 साल और रहोगे, जब आपके ये 6 साल पूरे हो जाएंगे देन दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, ठीक है। और उससे पहले आपने एक टेस्ट करना है, अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो उस कंट्री की जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट देना पड़ेगा और उसकी हिस्ट्री का टेस्ट देना पड़ेगा। सर आप उसका पासपोर्ट ले रहे हो ना, उसके बाद आप उस कंट्री के अंदर फैसले का हिस्सा हो कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, जिसको हमारी जिसको हमारा माजी नहीं पता, हमारी तारीख नहीं पता, वो आप बताएगा मेरा प्रेसिडेंट कौन होगा। आपने प्रॉपर तरीके से जाना है, देखिए वो कहते हैं ना नियत साफ मंजिल साफ, ठीक है। आपको हर जगह पे बाहर के मुल्क में ना लोग मिल जाएंगे और आप 2-4 लोगों से मिलेंगे, ठीक है, तो आपको खुद पता लग जाएगा कौन सही है कौन नहीं है, ठीक है। एक वो अमरीकी कहावत है सर, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज टू गुड टू बी ट्रू, कि आपको ऐसी ऑफर दे रहे हैं ना कि माइंड ब्लोइंग है कि यूं जिंदगी बन जाएगी, तो झूठी है। आप विजिट वीजा पे गए, पुर्तगाल पहुंच गए, ठीक है। पुर्तगाल का रूल ये है कि जी आपने 1000 यूरो जमा कराना है, ठीक है, आप लीगलाइज हो जाओगे, लेकिन फिर आप उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक आप अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन सर्कल पूरा नहीं कर लेते, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपको वहां नहीं पता और वहां भी जाके आप खास तौर पे किसी देसी के हत्थे चढ़ गए तो वो आपसे देखेगा जी 5000 फीस है, जिसमें से 1000 वकील का है, 1000 डॉक्यूमेंट का है, 1000 हुकूमत का है, सिर्फ 1000 तो बाकी वो अपनी कमाई करेगा। जबकि अगर थोड़ी सी रिसर्च, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपको हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, थोड़ी सी ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन है। अच्छा आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती ना, तो भाई भाई एक स्किल सेट है वो आपने करनी है। आप यूरोप रहना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप समझ सको पढ़ सको।